हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवरानी जेठानी की रसोई। आज हम बना रहे हैं मुंबई स्टाइल फेमस बटाटा वड़ा, जो कि एक इवनिंग स्नैक है और चाय के साथ बहुत पसंद किया जाता है, और बनाने में तो बहुत ही इजी है। तो चलिए हमारे साथ बनाते हैं बटाटा वड़ा। वड़ा बनाने के लिए हमने 7 से 8 आलू को बॉईल करके उनको छील लिया है, और अब उनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और साथ में ले रहे हैं 2 बड़े लहसुन की कलियां, 8 से 10 हरी मिर्च तीखी वाली, और 50 ग्राम के करीब अदरक। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से धोकर मिक्सी में पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। इसे किसी बॉल में निकाल कर रख देंगे। इधर आलू भी ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम एकदम अच्छे से मैशअप कर लेंगे। और अब बनाते हैं आलू का मसाला। अब एक बड़ी कढ़ाई में हमने 3 टेबल स्पून तेल लिया है, क्योंकि आलू की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसके लिए हमने तेल भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तेल हल्का सा गर्म होते ही इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच राई, कुछ करी पत्ते, और ऐड करते हैं गार्लिक अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट हमने बनाया है उसे इसमें डाल देते हैं। हम इसे स्पैटुला की हेल्प से चलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। एक्स्ट्रा पानी सारा सूख जाए इतनी देर से सेकेंगे। मैश किए हुए आलू इसमें ऐड करते हैं। कुछ मसाले जैसे कि नमक हमें अपने स्वादानुसार ही इसमें डालना है। आधा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं और साथ में डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, और गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, और जब ये मिल जाए तो इसे पूरे को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाले को हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। एक साइड में हम वड़े का बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए एक बॉल में हम 4 बड़े चम्मच बेसन लेते हैं, ये लगभग 250 ग्राम के बराबर हैं, और इसमें ऐड करते हैं 3/4 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। आलू का मसाला ठंडा हो गया है। हाथ से इसको गोल शेप देते हुए सभी मसाले के गोल गोल वड़े बना लेंगे। बैटर भी सेट हो चुका है। इसमें हम 1 पिंच मीठा सोडा ऐड करेंगे ताकि वड़े फूले फूले बने, और कंसिस्टेंसी मीडियम ही रखेंगे, ना पतला ना मोटा। बैटर एकदम हमको ऐसे ही रखना है। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है।
अब एक एक करके सभी गोले को बेसन में डिप करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे। पहले फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, फिर लो करेंगे और इसी तरह इनको सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। वड़े फ्राई हो गए हैं, इसी तरह हम सभी वड़ों को फ्राई करेंगे। कढ़ाई से निकालकर हम इन्हें टिश्यू पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल हो तो वो निकल जाए। वड़े एकदम गोल और फूले फूले बने हैं, एकदम तैयार हो गए हैं खाने के लिए। देखिए कितनी जल्दी बन गए हैं। गार्लिक की खुशबू इनमें बहुत अच्छी आती है। आप इन्हें चाय के साथ, हरी चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।